तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी यूज़र्स के लिए हैं जो PDF को एडिट करना चाहते हैं, चाहे आप एकेडमिक फील्ड से जुड़े हों या ऑफिस वर्क आपका है और आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएँ, खासकर PDF को, तो कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके बताऊँगा जिनके थ्रू आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर पे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे एडिट कर पाओगे, मतलब एडिटेबल कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पे ज़रूरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके लैपटॉप में वो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑफलाइन की बात करें, किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, मतलब डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, तो MS Word होगा ही होगा, मेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपके पास होगा ही होगा। तो आप किसी भी वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो 16 हो, 19 हो, 21 हो, आप आसानी से जो है PDF को उसके थ्रू एडिट कर पाएंगे। क्या करना है, अभी फ़िलहाल मेरे पास 2016 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा MS Word है इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो आपको भी अपना MS Word ओपन करना है, आप साथ साथ चल सकते हो मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ब्राउज भी है, फिर दिस पीसी पे आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी आपका PDF फाइल है उस PDF फाइल को आप देख लो। तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखा हूँ, तो ये हमारे पास PDF है और इसको हमें एडिट करना है। तो क्या करता हूँ, मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप मैसेज देखने को मिल रहा है कि ये कह रहा है कि क्या आप इसे एडिटेबल फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारे PDF है वो सिंगल क्लिक में यहाँ एडिटेबल फॉर्म में आ गया। कुछ भी आप इसमें चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये देखो, आप होता है कभी कभी जो PDF में कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं उसको एडिट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप जो है आसानी से इसमें कुछ भी एरर वगैरह नहीं आएगा, चाहे वो आपका हिंदी PDF हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में हो, बस आपका आपके सिस्टम में जो फॉन्ट है वो सपोर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सब कुछ वेल मेंटेन है, तो ये एडिटेबल हो गया। अब इसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वर्ड में, तो यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करो और सेव एज आपको कर लेना है। तो वही सेम जो है फाइल को मैं वर्ड में यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। अभी से मैं अगर मैं कट कर दे रहा हूँ, तो कट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेम फाइल जो हमारा यहाँ पे वर्ड में कन्वर्ट हो गया। इसमें आप कुछ भी चेंज करो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका मतलब MS Word से आप कैसे PDF को जो है वर्ड में कन्वर्ट करोगे MS Office के थ्रू। दूसरा तरीका है वो पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप आसानी से PDF में कन्वर्ट मतलब वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं PDF को। दूसरा मैं पेड बता रहा हूँ, जो एडोबी एक्रोबट DC है, इसके लिए आपको मंथली या ईयरली पेमेंट करना होगा, तब जाके इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे मैं PDF को यहाँ एक्रोबट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू बजाने पर आप देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो फॉर्मेट है यहाँ पे। तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करके अगेन वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 01 डाल दे रहा हूँ और यहीं डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो जो भी आपका PDF फॉर्म है वो PDF जो है हमारा वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी दिक्कत होती है, जो फॉन्ट मिलता नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ज़रूरी है आपके सिस्टम में फॉन्ट होना, जिसका डिस्कशन में पहले कर दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड में कन्वर्ट हो गया है, अब इसमें एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों ऑफलाइन तरीके हैं। ऑनलाइन के लिए आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप गूगल ड्राइव में के थ्रू जो है आप कैसे PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक करो। बाकी की ये ऑफलाइन तरीका बताया, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से PDF को एडिटेबल फॉर्म में बना सकते हो, कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब आप सोच रहे हो एक चीज़ मैं बताने इसमें भूल गया कि वर्ड में तो आपने बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, वापस से अगर मैं पीडीएफ में चाहिए तो कैसा होगा चेंजेस करने के बाद? तो सेव एज पीडीएफ कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ये वर्ड में है, अगर आप इसको वापस से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सेव एज पीडीएफ पे करो, या फिर सेव एज करके भी पीडीएफ का भी वहाँ पे ऑप्शन है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जब वर्ड्स पे जाओगे तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी आप करके इसे सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सुझाव हो सजेशन हो तो मुझे बेझिझक कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।